माय नेम इज तेजस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है ये आपको टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा। तो आज मैं आपको पुणे के नियर बाय के कुछ बहुत ही अमेजिंग प्लेसेस के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ पर आप वन डे या फिर स्टे करने के लिए जा सकते हो। ये जो प्लेसेस है वो काफी अलग अलग टाइप के मैंने सिलेक्ट किए हैं आपके लिए, तो ये सारे प्लेसेस जानने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। नंबर वन इज लवासा सिटी। लवासा ये पुणे से सिर्फ 66 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है जहां आप फोर व्हीलर या फिर टू व्हीलर से जा सकते हो। यहां पर वन डे या फिर स्टे के भी ऑप्शंस अवेलेबल है जिसका बुकिंग आपको booking.com से करना होगा। ये एक इटालियन टाउन पोर्टिफोनो स्टाइल बेस्ड सिटी है जो कि बहुत ही कलरफुल है और ज्यादातर लोग तो यहाँ पर मानसून में आना पसंद करते हैं बिकॉज मानसून में यहाँ पर सभी जगह ग्रीनरी होती है तो बहुत ही अमेजिंग व्यूज देखने को मिलते हैं। लवासा जाने का जो रास्ता है वो इतना खूबसूरत है कि मॉनसून में आप जब भी वहां पर जाओगे तो आपको रोड साइड स्मॉल स्मॉल वाटरफॉल्स देखने मिलेंगे और उसी रास्ते से जाते टाइम कुछ व्यू पॉइंट्स भी लगते हैं जहां से आपको लवासा लेक एंड लवासा सिटी का बहुत ही अमेजिंग पैरानोमिक व्यू देखने मिलेगा। अब एज ये प्लेस बहुत ही फोटोजेनिक है तो यहाँ पर प्री वेडिंग शूट वगैरह कराने के लिए भी आते हैं, ऑल्सो यहाँ पर आप स्टेकेशन करने के लिए भी आ सकते हो। अब नेक्स्ट इज ग्लैम्पिंग। पुणे के नियर में कई सारे कैंपिंग एंड ग्लैम्पिंग के प्लेसेस है और आजकल सभी को ये एक्सपीरियंस लेना पसंद है, तो आज मैं आपको दो ऐसे ग्लैम्पिंग के लोकेशन बताने वाली हूँ जहां पर मैं ऑलरेडी जा चुकी हूँ एंड बहुत ही अमेजिंग प्लेसेस है, जिसमें से सबसे फर्स्ट इज विलेज आउटिंग जो कि कामशेत में है। ये पुणे से सिर्फ 63 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है जहां पर आप अपने ओन व्हीकल से जा सकते हो। अब यहाँ नॉर्मल टेंट्स तो है ही बट उसी के साथ ये ट्रायंगुलर शेप में कुछ टेंट्स है जिसके अंदर आप देख सकते हो प्रॉपर बेडिंग आपको अवेलेबल है, देन लाइट एंड फैन भी प्रोवाइड किया गया है। ये पूरे कैंप साइट को अगर आप देखोगे तो विलेज का फील दिया गया है जहाँ मल्टीपल आउटडोर एज वेल एज इनडोर गेम्स भी रखे हैं लाइक बैडमिंटन, क्रिकेट, कैरम एंड सो ऑन। यहाँ पर मल्टीपल एक्टिविटीज भी है लाइक डीजे, लाइव म्यूजिक एंड एक स्मॉल ट्रैक भी होता है और ये सब के अलावा आपको यहाँ पर आके बुलक कार्ट राइड का भी एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ का फूड जो है वो भी बहुत ज्यादा टेस्टी है जिसमें आपको वेज एंड नॉन वेज ऐसे दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तब जिनको विलेज लाइफ स्टाइल का फील चाहिए एंड साथ ही में कैंपिंग भी करना होगा विथ वन स्मॉल ट्रैक तो आप ये कैंप साइट पर आ सकते हो। अब सेकेंड इज किनारा कैंपिंग जो कि पावना लेक के पास ही में है। ये एक बहुत ही अमेजिंग कैंप सेट है जहां पर लेक व्यू वाले रूम्स अवेलेबल है जिसके अंदर ही आपको एसी वॉशरूम फैसिलिटी मिल जाएगी। यहां पर भी नॉर्मल टेंट्स है बट ये जो रूम्स है वो यहां के हाइलाइटिंग पॉइंट है। ये कैंप सेट पर भी मल्टीपल गेम्स एंड एक्टिविटीज होती है जिसमें से सभी का फेवरेट है कायाकिंग। यहाँ का फूड जो है वो भी बहुत ज्यादा टेस्टी होता है जो कि सभी आपके पैकेज में ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा एंड सबसे बेस्ट मुझे यहाँ का तो बारबेक्यू लगा तो वो तो डेफिनेटली टेस्ट करना। ये कैंप साइट पर आप कोई भी सीजन में आ सकते हो, बहुत ही अमेजिंग प्लेस ही है। अब ये सब तो हुआ ग्लैम्पिंग। अगर आपको कैंपिंग का एक्सपीरियंस चाहिए वो भी बजट में तो मेरे पास ऐसे दो कैंप साइट्स है जो कि पावना लेक के पास ही में है जहाँ पर आप जा सकते हो। ये जो कैंप साइट है वहां पर आपको नॉर्मल टेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसके अंदर फोम बेडिंग एंड पिलो एंड मैट्रेस अवेलेबल होगा। आफ्टर दैट आपके पैकेज में इवनिंग हाई टी, स्नैक्स, बारबेक्यू, डिनर एंड नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट होगा जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। इन कैंप साइट्स पर भी आपको मल्टीपल गेम्स एंड एक्टिविटीज अवेलेबल होंगे लाइक बॉनफायर, डीजे नाइट, म्यूजिक एंड एक्सेट्रा। तो ये दोनों भी कैंप साइट्स है, उनके नाम एंड बाकी सारे डिटेल्स मैंने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं। तो अगर आप बजट में कैंपिंग करना चाहते हो तो आप इनमें से कोई भी एक प्लेस सिलेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट लोकेशन इज पंचगनी जो कि पुणे से सिर्फ 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है जहाँ पर आप स्टे करने भी जा सकते हो या फिर वन डे भी जा सकते हो। पंचगनी एक स्मॉल हिल स्टेशन है जिसे लैंड ऑफ 5 हिल्स भी कहा जाता है। यहाँ का जो टेबल टॉप पॉइंट है वो बहुत ज्यादा फेमस है और ये एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट टेबल टॉप है जहाँ पर अलग अलग मल्टीपल व्यू पॉइंट्स है जो कि आप हॉर्स राइड करके या फिर चल के भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अब
जैसे कि मैंने आपको बताया आप यहाँ पर स्टे करने भी आ सकते हो, तो पंचगनी में मल्टीपल स्टे की ऑप्शंस अवेलेबल है। बट अगर आप कुछ यूनिक स्टे में रहना चाहते हो तो आप पंचगनी के हॉस्टल में स्टे कर सकते हो, वहाँ पर आपको कंटेनर में स्टे करने मिलेगा। तो उसका बुकिंग लिंक मैंने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, तो वो जरूर चेक करना। अब आफ्टर पंचगनी नेक्स्ट लोकेशन जो है वो वही से थोड़ा आगे है और उसका नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर पुणे से सिर्फ 120 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जहां आप प्राइवेट या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हो। अब जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहां पर आते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि यहां पर ऑटो या फिर कैब सर्विस अवेलेबल है, जो आपको पूरे महाबलेश्वर के साइट सीइंग पॉइंट्स एक अलग अलग पैकेज में घुमाती है। महाबलेश्वर ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस है, जहाँ ज्यादा लोग मानसून एंड विंटर्स में आना पसंद करते हैं। ये हिल स्टेशन फेमस है फॉर स्ट्रॉबेरीज, बट स्ट्रॉबेरीज आपको मानसून में नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको मार्च या फिर अप्रैल में आना होगा। मानसून में यहाँ बहुत ही अमेजिंग लगता है, सभी जगह ग्रीनरी ग्रीनरी, एंड एज ये एक हिल स्टेशन है तो आप जिस भी व्यू पॉइंट पर जाओगे आपको क्लाउड्स अपने थ्रू जाते हुए दिखेंगे, एंड वो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। महाबलेश्वर में जितने भी व्यू पॉइंट्स हैं, आपको हर व्यू पॉइंट्स के साइड में छोटे मोटे स्टॉल्स मिलेंगे, जहां पर आप बैठ के स्नैक्स वगैरह खा सकते हो ये अमेजिंग व्यू के साथ। तो आफ्टर महाबलेश्वर लास्ट इज शिव सृष्टि एग्रो टूरिज्म, जो कि तापोला में है। अब तापोला जाने का जो रास्ता है वो महाबलेश्वर होके ही जाता है, तो अगर आप महाबलेश्वर घूमने आए हो तो एक दिन निकाल कर तापोला भी जाइए, बिकॉज ये एक लेस नोन प्लेस है बट वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है फॉर स्टेकेशन। ये रिसोर्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जहाँ पर आपको कोई ना बैक वाटर का व्यू देखने मिलता है। और यहाँ का मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा यहाँ की रूम्स, जो कि आप देख सकते कितने ज्यादा स्पेशियस है और उनके अंदर से बाहर का बहुत ही अमेजिंग व्यू दिखाई देता है। तो अब जैसे कि मैंने बताया आप यहाँ पर स्टेकेशन करने भी आ सकते हो, तो यहाँ पर वाईफाई भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ जाके मस्त चिल करते हुए अपना काम भी कर सकते हो। यहाँ पर भी मल्टीपल गेम्स एंड एक्टिविटीज है, लाइक कायाकिंग, बैडमिंटन, म्यूजिक, बॉनफायर एंड एक्सेट्रा, जो कि आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। अब अगर यहाँ के फूड की बात करें तो यहाँ का फूड बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है, जिसमें आपको वेज नॉन वेज दोनों अवेलेबल है, एंड मैंने तो दोनों भी ट्राई किया है। प्लस अगर आप यहाँ पर आके कुछ अलग से ऑर्डर भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, एज इनका खुद का इनहाउस रेस्टोरेंट है। अब ये सभी के साथ सबसे बेस्ट चीज मुझे ये रिसोर्ट की लगी, दैट इज यहाँ की सर्विस एंड मैनेजमेंट। यहाँ का जितना भी स्टाफ है एंड यहाँ के ओनर, वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली एंड हेल्पफुल है, तो आप विदाउट एनी टेंशन यहाँ पर आराम से अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ स्टे कर सकते हो। तो गाइस ये थे कुछ बहुत ही अमेजिंग प्लेसेस नियर पुणे, जहाँ पर आप जा सकते हो। मैं यहाँ पर ऑलरेडी जा चुकी हूँ, मेरा तो यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अमेजिंग रहा है। तो अगर आप भी यहाँ पर जाते हो तो आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, एंड उसी के साथ आपको जो भी डाउट होगा वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ऑल्सो ये सभी के साथ मैंने आज आपको जितने भी प्लेसेस बताया उनके सारे डिटेल्स लाइक बुकिंग लिंक, कॉन्टैक्ट नंबर, डायरेक्शन लिंक, ये सभी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए, तो वो भी जरूर चेक करना। एट लास्ट आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मेरा न्यू वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।